हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। अभी जो है एक्सपो की वीडियोस आपको मिल जाएंगी और अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहां पे हुई हैं और कुछ जो सर हैं जिनसे मिले हैं, काफ़ी टाइम से जो है बात होती रहती थी लेकिन मिल नहीं पाते थे, लेकिन एक्सपो में क्या है आज उनसे मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलने का। और सर से मैं आपको मिलवाऊँगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो एक्सपो होती है, जैसा कि अभी विजिट किए हम लोग और काफ़ी सारे चीज़ें जो है देखे हैं, समझे हैं। और ये सर हैं और जिस तरीके से यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ जो सीखने को देखने को मिला है उसके बारे में सर जो है बताएंगे। चलो सर आइए, इधर आइए ना आप। सो ये है कुमार सर फ्रॉम आंध्रा से और ये मेरे से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी दिनों से बात होती रही थी सर से, लेकिन आज जो है एक्सपो में मिलने का एक अच्छा और सुनहरा मौका मिला। और एक जो चीज़ें होती है ना एक्सपो में, आखिर हुआ क्या, क्योंकि ऐसे नए जो लोग हैं जो नया काम चालू कर रहे हैं उसके लिए क्या जो चीज़ें हैं यहाँ जो है सीखने को मिलती हैं, सो वो सारी चीज़ें जो है सर बताएँगे। और बताइए सर, इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। एक्सपो की वजह से नया जो काम शुरू करने वाला, अग्रगति काम शुरू करने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, जो परफ्यूमर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है और पैकिंग का, बहुत सारे ए टू जेड जो अग्रगति काम करने वाले के लिए ए टू जेड जो नॉलेज होना चाहिए वो सब एक एक्सपो में होने वाला था। जो जो आदमी आया था उसके लिए कुछ बोलने का नहीं था, जो नया आया था, मतलब ये मतलब एक ऐसा चीज़ें हैं जो कि आप अगर नए हो इस फील्ड में तो आपको ज़रूर आना चाहिए, यही कहना है सर का कि अगर आप बिजनेस में हो या फिर कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो ज़रूरी है एक्सपो में आना। बस सर का यही कहना है और मैं भी कुछ यही कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस यहाँ का काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी सारी और वीडियोस जो है आने वाली हैं। थोड़ा सा साउंड आ रहा है क्योंकि आगे जो है डिस्प्ले से आवाज़ आ रही है। और आज हमारा दूसरा दिन है मेरा, सर का जो है, सर का आज तीसरा दिन है। ये पूरा तीन दिन का जो है यहाँ का चीज़ें थी एक्सपो में, विजिट का तीन दिन का था और मैंने तो काफ़ी वीडियोस में आपको बताया ही था कि किस तरीके से आपको इसके लिए विजिट करना है, जो जो चीज़ें जो क्राइटेरिया था उसके लिए मैंने वो बताया था वीडियो में। सेकेंड वीडियो में जो स्टॉल्स हैं कैसे किस तरीके से लगे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब वीडियो मिल जाएंगी आपको और थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है उसमें, बाकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कुछ वीडियोस और आएंगी। और ये था आज का हमारा छोटा सा ये वीडियो फीडबैक के लिए, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि यहाँ जाने से हमारा पैसा खर्चा होगा और इन्वेस्टमेंट लगेगा, आने जाने का खर्चा लगेगा, तो देखिए अगर बिजनेस अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो स्किल्स है ना आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप देखोगे तो समझ में आएंगी आपको कि एक्चुअल में वो काम कैसे करती है। मैंने देखे काफ़ी सारे ब्रांड है, बड़े ब्रांड जो है आए हुए हैं, काफ़ी सारे परफ्यूम्स के ब्रांड हैं, रॉ मटेरियल के ब्रांड आए हुए हैं और काफ़ी सारे जो एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, तो जितने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंटर हैं और जो ट्रेडर्स हैं और जो परफ्यूम्स के बेस में जो कंपनियाँ हैं और जो जैसा कि स्पॉन्सर में है वो लोग, तो साइकिल प्योर है, जेड ब्लैक है और काफ़ी सारे जो कंपनियाँ जो इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज कर रही हैं और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल एक माइंड में जो चीज़ें होती है ना कि एक्सपो में जाने से क्या होगा, तो यहाँ वैसे जो चीज़ें हैं अगर आपको सीखने का जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो इस फील्ड में, तो आपके लिए एक सबसे अच्छा मौका है। भारत में अभी काफ़ी सारे एक्सपो चल ही रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी 3-4 महीने के अंदर में अभी और एक्सपो होने वाली है मुंबई में, ऐसा अनाउंसमेंट मैंने सुना हुआ है। लेकिन जो अभी का एक्सपो है ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसे अच्छा माना गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो इतने सारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इस एक्सपो में आए हुए हैं और ऐसी जो चीज़ें हैं वो जो आपको इस एक्सपो में देखने को मिलेगी। तो उम्मीद यही करूंगा कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी एक्सपो में आने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए,
ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आपके पास कम पैसा है या फिर आप नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए फ्री विजिट और काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिस ऑप्शन को अप्लाई करके आप आसानी से आ सकते हैं और घूम सकते हैं यहाँ और एक्सपीरियंस अपना जो है बढ़ा सकते हैं अगर बल्कि मेकिंग बिजनेस के फील्ड में। सो आज की इस वीडियो में बस यही कहना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, आप जानते ही होंगे जो जो चीज़ें थी मैंने बता चुकी है, और जो भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं उनका एक वीडियो बनी हुई है कंप्लीट, वो आप देख लेना तो आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।